अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसा कि हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट के चर्चे में हैं और उनको दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। जबकि आज की वीडियो में आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का अपने इस इल्ज़ाम के बारे में जो उन पर लगा है। एक इंटरव्यू है, शुरू से आखिर तक इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे तो आपको सारी बात का इल्म हो जाएगा, कितने डॉक्टर साहब कसूरवार हैं, कितने नहीं हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। पिछले कई हफ्तों से डॉक्टर जाकिर नाइक चर्चा में है। ढाका बेकरी के अटैक में एक उग्रवादी ने कहा कि वो इनकी तकरीरों से प्रेरणा लेते हैं। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये पहली बार है कि डॉक्टर जाकिर नाइक किसी भी चैनल को इन हादसों के बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं। नायक साहब, आपको इस बात का मुझे लगता है एहसास होगा कि हिंदुस्तान में आपको लेके बड़ा बवाल मच गया है। ढाका बेकरी पे जो अटैक हुआ उसमें एक उग्रवादी ने कहा कि वो आपसे और आपकी तकरीरों से इंस्पिरेशन लेता है, प्रेरणा लेता है। इस इंटरव्यू के बारे में कहना चाहता हूँ कि अक्सर मैं तकरीर करता हूँ अंग्रेजी में और मेरी तालीम पूरी अंग्रेजी में हुई, तो उर्दू और हिंदी पे इतनी महारत नहीं है, तो अगर इसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जहाँ तक कि आपने कहा कि एक ढाका के टेररिस्ट में से इंस्पायर हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ मैं। जहाँ तक कि ये एक आर्टिकल आया था, 4 जुलाई को अटैक हुआ था ढाका में, और 3 जुलाई को एक आर्टिकल आया था डेली स्टार के अंदर कि चंद टेररिस्ट आतंकवादियों ने हमला करके 20 से ज़्यादा की हत्या की, उसमें से एक आतंकवादी मेरे से इंस्पायर हुआ, और ये न्यूज़ उठा के इंडियन मीडिया ने हेडलाइन जाकिर नायक एकदम ऑलमोस्ट ऑल 95% चैनल्स के ऊपर वही था हेडलाइन, 95% न्यूज़पेपर पर हेडलाइन वो जाकिर नायक। सडनली फिर चंद दिन बाद ये आर्टिकल आया था 4 जुलाई को, हाँ, और उसके बाद 4 जुलाई को इंडियन मीडिया ने पेश किया, 3 जुलाई को आर्टिकल आया था, 9 जुलाई को यही पेपर ने एक करेक्शन दिया कि हमने कभी भी नहीं कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक ने ढाका के टेररिस्ट को मासूम लोग का कत्ल करने के लिए इंस्पायर किया। हमने सिर्फ ये कहा कि वो फैन था, और ये भी कहा कि हमने जो इन्फॉर्मेशन उसमें शाया की थी कि जाकिर बैंड ने मलेशिया में, वो इन्फॉर्मेशन गलत थे। आप ये कहते हैं कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मेरे 2000 से ज़्यादा पब्लिक लेक्चर है, मैं 20 साल से ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ, इसमें मैं हज़ारों बार कह चुका हूँ अनइक्विवोकली, अनएम्बिगुअसली, साफ अल्फाजों में कि एक भी बेगुनाह का कत्ल करना इस्लाम में हराम है। और कुरान की आयत है सूरह माईदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान एक दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो गोया के ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है, और अगर कोई भी एक बेगुनाह को बचाता है तो वो सारे इंसानियत को बचाता है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ, ये मीडिया जो दिखा रही है अक्सर मेजॉरिटी टाइम पे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बहुत से बार हाफ स्टेटमेंट है और कुछ बार डॉक्टर्ड है, डॉक्टर्ड क्लिप यूट्यूब से उठा रहे। तो ये डॉक्टर्ड है जो तकरीर है, क्या ये भी डॉक्टर्ड है कि आपने ये कहा था कि अमेरिका के खिलाफ अगर आप, बिल्कुल सही डॉक्टर्ड है, पहला चीज नंबर 1। ओसामा बिन लादेन की आपने तारीफ की थी, ये भी डॉक्टर? कभी भी तारीफ नहीं किया। एक मुझे बताओ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप दिखा सकते मुझे? यहाँ तो मेरे पास नहीं। तो आप जब वो इल्जाम लगा रहे मुझ पे, इंडिया में तो मीडिया में चल रहा है, लेकिन आप जर्नलिस्ट है ना, पूछने के पहले तहकीक करो। कुरान की आयत है, सूरह हुजुरात चैप्टर 49 वर्स नंबर 6, अगर कोई भी एक फासिक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। तो ये कहना बिना तहकीक करके इस्लाम में गुनाह है, तो बुनियादी हक है। सवाल नहीं लगा रहा मैं आपसे, हाँ, अभी आप सवाल पूछे, पहले इल्जाम लगा रहे थे, अभी सवाल पूछने का तरीका अलग होता है, इल्जाम लगाने का तरीका अलग होता है। आप जो जोश में, सुसाइड बॉम्बर्स को कभी भी, सुसाइड बॉम्बिंग वे इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन टेररिस्ट अटैक, मैंने हजार बार कह चुका हूँ इट इज प्रोहिबिटेड। कोई भी सुसाइड बॉम्बिंग में अगर एक भी बेगुनाह इंसान मारा जाता है, ये बड़ा गुनाह है, इस्लाम में दूसरे नंबर पे आता है, शिर्क के बाद
सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद इस्लाम में है बेगुनाह का कत्ल करना, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। ये मीडिया क्या कर रही है, आधा सेंटेंस उठा के बोलते हैं, पूरा सेंटेंस दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारे एक भी फेमस मीडिया को, मेरा पूरा लेक्चर दिखाओ। आप मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ से ज़्यादा देखने वाले सिर्फ पीस टीवी में, पीस टीवी पे सिर्फ मुशाहिदीन है देखने वाले 20 करोड़, मेरे फेसबुक पे 1 करोड़ 40 लाख सिर्फ फैंस है। आप बोलिए अगर मैं इंस्पायर करता हूँ तो कम से कम मिलियन टेरिस्ट होना चाहिए, आपको 5 या 10 नाम मिलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे तकरीर से लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम की तरफ आने के बाद कई लोग दूसरे के भड़कावे स्पीच में आके इनोसेंट मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग मैं जानता हूँ जो भड़कावे स्पीच देते हैं और बेगुनाह मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि आप गैर मुस्लिम का कत्ल करो आपको जन्नत मिलेगी, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो उनसे मुतासिर होके मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जितने मेरे फ़ैन हैं 100% मुझे मानते, कुछ 80% मानते, कुछ 60% मानते, कुछ 20% मानते। तो इस्लाम के करीब लेके आने के बाद वो दूसरे लोग के तकरीर से मुतासिर होकर अगर गलत काम करते तो मुझे थोड़ी दोषी गिरा सकते। डॉक्टर साहब, आप पीस टीवी की बात कर रहे थे, आपको पता है हिंदुस्तान में लोग क्या कहते हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं पीस टीवी की बात करते हैं और इनकी इनके भड़कावे भाषण से, मेरी बात सुनो, इनके भड़कावे भाषण से दहशतगर्द जो है वो इंस्पायर्ड होते हैं जावेद भाई, और आपकी तुलना वो प्रवीण तोगड़िया से करते हैं। एक होता है बहुत लोग कह रहे, एक लोग कहते अक्सर लोग कह रहे, बहुत और अक्सर में जमीन आसमान का, किसके लिए 10 आदमी भी बहुत होते, इसके लिए 20 आदमी भी बहुत होते, अक्सर मतलब मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इंडिया में 50% से ज़्यादा नहीं कहते कि जाकिर दहशतगर्द है। ये मैं मानता हूँ कि इंडियन मीडिया जो अभी जो ट्रायल करे बेबुनियाद विदाउट एनी, और अगर मेरी मेरी तुलना कर रहे प्रवीण तोगड़ ऐसे काम कीजिए ना, आपकी आज तक पे, आपके इंडिया टुडे पे आप मेरे 1 घंटे का लेक्चर दिखाइए और प्रवीण तोगड़ 1 घंटे का लेक्चर दिखाइए और खाली वोटिंग लो हु स्प्रेडिंग हेट बताइए। चैलेंज करता हूँ मैं आज तक को, इंडिया टुडे को, बाकी कोई भी चैनल को, क्या भड़कावी स्पीच मैं ही देता हूँ? हाँ प्रवीण तोगड़ की आपको मैं तो देखा नहीं उसकी स्पीचेस, बाकी लोग जो बोलते दूंगा मैं आपको। आप मेरी कोई भी स्पीच चलाओ, पूरी स्पीच चलाओ 100% विदाउट एडिटिंग और फिर वोटिंग लो, हैशटैग हु इज द टेररिस्ट करो, दम है तो इसको बोलते दम। प्रॉब्लम है क्या, इंडियन मीडिया, कुछ मीडिया है जो अच्छे है, कुछ मीडिया बिल्कुल है, अगर वो मीडिया अच्छे है बहुत से जर्नलिस्ट अच्छे है। आप ये बताइए, आपकी बहुत सी तकरीरें हैं जिससे आप कहते हैं कि आप दोनों कम्युनिटीज जो सारी दुनिया में डिफरेंट कम्युनिटीज को साथ लाने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपकी जो तकरीर है, आपका जो लबो लहजा है, आप दूसरी रिलीजन्स में, दूसरे के मजहब में क्या कमियां हैं ये खामियां दिखा दें, आपको लगता नहीं दूसरों को ठेस पहुंचे? आप मेरा एक भी लेक्चर दिखाओ जिसमें मैं क्या, जिसका लेक्चर का टाइटल है कि दिगर मजहब के अंदर खामियां। मेरे जितने श्री रविशंकर के साथ थे, आपने रविशंकर को बहुत बुरी लगी, आपने वो आपके मेहमान थे, आपने उनके, वो मेरे मेहमान नहीं थे, मैं ही गया बैंगलोर, बैंगलोर उसका शहर, मैं मुंबई से बैंगलोर जाता हूँ और वो कहते मैं उनका मेहमान हूँ, किधर की उर्दू है किधर की हिंदी है, मैं मुंबई में रहता था 2006 में, मैं गया बैंगलोर तो मैं उसका मेहमान है क्या, वो मेरा मेहमान है। कोई भी मजहब को मैं नीचे नहीं गिराता हूँ। कुरान की आयत है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, कि आप कोई भी दूसरे मजहब के खुदाओं को गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली दे। आप क्यों कहते हैं कि प्रसाद खाना हराम है? तो प्रसाद खाना हराम है वो अलग मकसद है, मैं प्रसाद खाना हराम करते ये नहीं कहा कि बाकी मजहब को कभी गाली नहीं दी। ये सवाल अगर कोई पूछता है प्रसाद खा सकते हैं क्या, नहीं सवाल पूछा गया था, तो कुरान में 4 जगह लिखा है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैतुतु वद्दमु वला मुल्कु खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी, कि आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून सुअर का गोश्त, और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। तो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लो
वो मुसलमान के लिए खाना हराम है। तो इसी से अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया वो इस्लाम में खाना हराम है, तो इसमें बाकी मजहब को कहाँ में दोष दे रहा हूँ। अगर कोई हिंदू मुझे आके बोलता है कि मुझे भाई बीफ नहीं खाना है, गाय का गोश्त नहीं खाना है, अरे उसकी मर्जी है। अगर दूसरा इंसान कहता है कि भाई गाय के गोश्त खाने से अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है, उसकी मर्जी है। अगर अगर कोई इंसान कहता है कि गाय का गोश्त मैं नहीं खाऊंगा, वो थोड़ी इस्लाम को दोषी ठहरा रहा है। तो ये आप डबल स्टैंडर्ड क्यों है? डॉक्टर नायक, आप बात कर रहे थे दहशतगर्दी की, सारी दुनिया में इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है दहशतगर्दी को लेकर, आइसिस और तालिबान को लेकर आपका क्या नजरिया है? जहां तक के दहशतगर्दी का सवाल है, मैंने हजारों बार कह चुका हूं कि इस्लाम में सूरह माईदा सूरह 5 आयत नंबर 32 के आयत के हिसाब से अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, कोई भी बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो गोया के सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। तो बेगुनाह इंसान का कत्ल करना हराम है। जितने भी दहशतगर्द अटैक्स हुए दुनिया में जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए या बेगुनाह लोग इंजर्ड हुए, ये इस्लाम के मुताबिक हराम है, मैं इसे कंडेम करता हूँ। जो फ्रांस में और जो और जगह अरे भाई मैं बोल चुका हूँ, जिधर भी चाहे फ्रांस में हो, चाहे ढाका में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे लंदन में हो, और मैं कंडेम कर चुका हूँ। मैं कंडेम कर चुका हूँ 9/11 जहाँ 3,000 अमेरिकन मारे गए, वो मैं कंडेम करता हूँ। लंदन में जहाँ 50 से ज़्यादा लंदन ट्यूब बॉम्ब में मारे गए, मैं कंडेम करता हूँ। बॉम्बे में 180 से ज़्यादा लोग मारे गए, मैं कंडेम करता हूँ। लेकिन जो बेगुनाह हजारों लोग अफगानिस्तान में मारे गए, इराक में, पैलेस्टाइन में, उसको भी कंडेम करता हूँ। आपने कहा आईएसआईएस की, मेरी क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, आप अपने चैनल पे कहेंगे कि मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इंटरव्यू लिया जद्दा में, आप तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी लुनेटिक है। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहती है और बेगुनाह लोग को मारते, तो आप क्यों बोलते इस्लामिक स्टेट? मैं कहता हूँ मीडिया अनजाने में या अनजाने में ये नाम इस्लामिक स्टेट दिया गया है मुसलमानों के दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने ये लकब दिया। मैं कहता हूँ मुसलमानों से, मैं कहता हूँ मुस्लिम मीडिया से, मैं कहता हूँ आम मीडिया से, आप इन्हें इस्लामिक स्टेट मत कहो, एंटी इस्लामिक स्टेट कहो, एंटी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। क्योंकि इस्लामिक स्टेट कोई भी बेगुनाह को मार ही नहीं सकता है। जब हम न्यूज में देते हैं कि आईसिस ने बेगुनाह लोग को मारा, हम ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक है। आप जब मुझे नहीं कह सकते कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूं, तो उनको क्यों इस्लामिक कहते? आपका इस्लाम का इल्म कमजोर है। ये फिक्टिशियस नेम है, ये गलत नाम दे रहे हैं। तो हमें कहना चाहिए कि एंटी इस्लामिक स्टेट ने बेगुनाह लोग को मारा। तो मैं चाहता हूं कि अगले बार आज तक और इंडिया टुडे कभी भी इनका नाम लेंगे तो ये कहना चाहिए एंटी इस्लामिक स्टेट। अगर आप कहेंगे कितने लोग, अगर आप इस्लामिक कहेंगे तो एक आदमी, एक बच्चा देखेगा, अरे इस्लामिक स्टेट ये कर रहा है और इस्लाम में इसकी इजाजत है, तो वो बेगुनाह मुसलमान भी दहशतगर्द बनेगा। इसके जिम्मेदार कौन? मीडिया। क्योंकि मीडिया बता रही है कि इस्लामिक स्टेट, अगर मीडिया ये कहने लगी कि ये एंटी इस्लामिक स्टेट है और वो ऐसे हरकत कर रहा है जो इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो शायद लोग गुमराह नहीं होंगे। मीडिया की गलती है। आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर जो इल्जाम है वो बेबुनियाद है। बिल्कुल 100% बात है। तो हम जद्दा में ये इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान वापस आइए, हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्ड करते हैं, आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट आइए, हिंदुस्तान आइए, अगर आपको डर नहीं है वहाँ। आपको शायद पता नहीं कि मैं नॉन रेसिडेंट इंडियन हूँ, NRI जैसा लफ्ज आप जानते हैं, नॉन रेसिडेंट। मेरे पास रेसिडेंट परमिट है सऊदी अरेबिया का और यूएई का और कई कंट्री का। अक्सर आज ने कई सालों से अक्सर मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ, फिर भी जब मुझे पता चला कि इंडिया मीडिया मेलाइन कर रही है, मैंने कहा अच्छा मैं डेढ़ दिन के लिए आऊँगा, 11 तारीख को आऊँगा, 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा, फिर वापस मेरे काम पर वापस आ जाऊँगा। लेकिन हमको हॉल नहीं मिला, बुकिंग किए कैंसिल कर दिए, सेकेंड हॉल के कैंसिल किए, फोर्थ स्टार ने, उनको प्रेशर आ गया। तो मैंने मदीना के जरिए मैंने स्काइप के ऊपर लाइव इंटरव्यू लिया, उधर 100 लोग थे, तकरीबन 60-70 मीडिया थे। आपको गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी ने तलब किया है? क्या किसी ने कोई आपकी इंक्वायरी की है? मुझे जरूरत पड़ी तो क्या आप भारत आने पर और सवाल जवाब सवालों का जवाब देने पर तैयार है? मैं मीडिया ट्रायल के लिए आने के लिए बेबुनियाद समझता हूँ, लेकिन अगर अब आज तक के
कोई भी ऑफिशियल इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लास्ट दो हफ्ते में मुझे कांटेक्ट किया नहीं। और आपको ये कहना चाहता हूँ, मीडिया जो बुनियाद लगे बेबुनियाद, जाकिर वॉज इंटोग्रेट, सब झूठे। मेरे पूरे जिंदगी में एक बार भी कोई भी इंडियन ऑफिशियल एजेंसी ने मुझे इंटरोगेट नहीं किया। एक बार सिर्फ गया था जब बेबुनियाद इल्जाम लगा था, बेल के लिए मैं कुल्ला पुलिस स्टेशन गया था। उसके अलावा मैं एक बार भी मुझे एक भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इंटरोगेट नहीं किया। वो अलग बात है क्या मैं कई पुलिस कमिश्नर को मिला हूँ, जॉइंट कमिश्नर को मिला हूँ, एडिशनल कमिश्नर को मिला हूँ, एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट हेड को मिला हूँ, इंडिया में मिला हूँ, बाहर मिला हूँ, क्या आई एम अ पब्लिक फिगर। मैंने इवन हैदराबाद में दो बार तकरीर की, तो क्या टेररिस्ट को बुला रहे लोग तकरीर करने के लिए? तो इंडियन मीडिया अगर ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट मेरे बारे में कोई भी सवाल मुझे पूछना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आई एम रेडी टू कॉपरेट नॉट ओनली विद इंडियन गवर्नमेंट, विद एनी गवर्नमेंट एजेंसी इन द वर्ल्ड। अगर मेरे वजह से एक भी टेररिस्ट पकड़ा जा सकता हूँ, मैं कॉपरेट करने को तैयार हूँ। जी हाँ नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब की जो बात है, यहाँ से पता चलता है डॉक्टर साहब जो है वो बज़ाहिर बेकसूर हैं, और इन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। वो फरमा रहे हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट मुझे बुलाती है और मुझसे सवालात करती है, तो मैं उन सवालात को सुनकर उनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और मेरे नाम का कोई टेरर आदमी, कोई दहशतगर्द आदमी अगर पकड़ा जाता है तो उसके लिए भी मैं अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। जो आदमी सच्चा होता है वो ख़ुद को सच्चा ही कहता है, और बड़े एक मीडिया पर आकर हज़रत ये सारी बातें कर रहे हैं, छुपी ढकी बातें नहीं हैं। तो अब देखें, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं डॉक्टर साहब कितने कसूरवार हैं। चलिए, मज़ीद इंटरव्यू की कुछ ख़ास बातें हैं, अब वो मुलाहिज़ा कीजिए। आपका इस जो प्रेजेंट सरकार है भारत की, उसके बारे में क्या नज़रिया है? बहुतों का मानना है, पहले लोग ये मानते थे कि इनके आने से लोगों में दूरियां, नाइतफाकियाँ बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी, क्या आप इस राय से इतफाक करते हैं? तो जहाँ तक कि पॉलिटिक्स का सवाल हो, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं मुझे पूछेंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में, पीस टीवी ने अप्लाई किया था डाउनलिंग की परमिशन प्रीवियस गवर्नमेंट में, 2008 में, 2010 में, 2012 में, तीनों बार रिजेक्ट किया गया विदाउट एनी रीजन, सिक्योरिटी रीजन। क्या सिक्योरिटी रीजन है? इस गवर्नमेंट में कहूँगा, जो पीस टीवी के ऑफिशियल्स है उनसे कहूँगा कि अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अप्लाई करो, मैं देखना चाहता हूँ। अगर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट भी ऐसा करती, आज के तारीख में कई चैनल हिंदू, कितने 20-25 कितने चैनल जानता हूँ, हिंदू चैनल है, क्रिश्चियन चैनल है, एक भी मेन स्ट्रीम मुस्लिम चैनल नहीं। क्यों? ये आपसे पूछना चाहता हूँ, खाली ये बोलना सिक्योरिटी रीजन है। मैं चैलेंज करता हूँ, एक चीज बताओ पीस टीवी के प्रोग्राम में, चाहे इंग्लिश चैनल हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बंगला हो, चाहे चाइनीज हो, जो जिसके अंदर दहशतगर्दी फैला रही, जिसके अंदर इंडिया को सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इतने कंट्री दुनिया में दिखा रहे, सिर्फ इंडिया को ही प्रॉब्लम है, एक कंट्री ने बैन नहीं की। अभी इंडिया का प्रेशर आया तो बांग्लादेश ने बैन किया, अभी चंद रोज पहले, इतने सैकड़ों कंट्री, 175 कंट्री से ज्यादा में पीस टीवी दिख रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? प्रीवियस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, इस टाइम में इस गवर्नमेंट में अप्लाई, इस गवर्नमेंट में कहूंगा पीस टीवी ऑफिशियल को अप्लाई करने के लिए, और देखूंगा। जहां तक के आपका सवाल है, जहां आपने पूछा था मुझे पहले क्या नरेंद्र मोदी के बारे में, जी क्या नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है? जैसा मैंने कहा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं पॉलिटिक्स के बारे में कम इल्म रखता हूं, लेकिन जात मैं जो कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूं, मैं तालिब इल्म हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना भी मुझे इल्म है, मैं कोई भी प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता हूं जो 2 साल में इतने मुसलमान मुल्कों का दौरा किया। 2 साल के अंदर गल्फ कंट्री, 6 गल्फ कंट्री में से 3 मेन गल्फ कंट्री को मिले, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, सेंट्रल एशिया, इतने मुल्कों। तो अगर उनका ये मकसद है कि हम इंडिया और मुस्लिम कंट्री को करीब लेके आए, हम हिंदू और मुसलमान को करीब लेके आए, कम्युनल हार्म नहीं बढ़ा, तो मैं उनके फेवर में हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के तारीख में जो गिनती के अंदर मुसलमान नंबर 2 पे आता है, हिंदू नंबर 3 पे आता है। मुसलमान तकरीबन 1.8 बिलियन, यानी 1800 करोड़ मुसलमान पूरे दुनिया में, और हिंदू भी तकरीबन 800 करोड़ है, तो 2 सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे
प्रैक्टिस में प्रैक्टिस मुसलमान सबसे वन है, अगर ये दो कम्युनिटी को साथ में लेके आने की कोशिश है तो मैं उनके फेवर में हूँ। पॉलिटिक्स के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई भी हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता हूँ जो इतने कंट्री की और इतने कम टाइम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की और इन रेसिप्रोकेशन में किंग सलमान सऊदी अरेबिया के, उन्होंने, मैं जानता नहीं हूँ पहले कोई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हाई सिविलियन अवार्ड मिला। डॉक्टर नायक, भारत में पहले हमें बड़ा फख्र था कि कोई भी भारतीय कभी दहशतगर्दी, आइसिस या तालिबान के पास नज़दीक नहीं जाता था। अब देखने में आ रहा है कि कुछ जो हमारे नौजवान हैं उधर उनका रुझान बढ़ रहा है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आप ये मानते हैं कि पीस टीवी करोड़ों लोग देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी दहशतगर्दी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना इस्लाम में हराम है। दहशतगर्दी इस्लाम दहशतगर्दी से सैकड़ों मील दूर है। कोई भी बेगुनाह का कत्ल करना या उसको इंजर करना हराम है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, जो लोग ये दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। इतने मुझे पांच मुल्कों ने, बड़े बड़े मुल्कों ने, सऊदी अरेबिया ने, मलेशिया ने अवार्ड, द हाईएस्ट अवार्ड, सबसे हाईएस्ट अवार्ड इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर है किंग फैसल अवार्ड फॉर सर्विस ऑफ इस्लाम, और सिर्फ दो इंडियन को मिला है सर्विस ऑफ इस्लाम के लिए, अलहमदिल्ला मौलाना अली मियां नदवी जो थे माशाल्लाह बहुत माहिर इंसान थे, उसके बाद मुझे मिले इतने साल 30 साल के बाद। तो अगर इतना बड़ा अवार्ड मिला है तो इंडियन लोग को खुश होना चाहिए। मलेशिया में टोको महालिजरी अवार्ड हर साल लोगों को दिया जाता है, सिर्फ 30 साल में सिर्फ 4 इंटरनेशनल लोग को मिला है। जी हाँ नाजरीन, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे पीस टीवी पर सुनते हैं, सिर्फ पीस टीवी, इसके अलावा कितने चैनल्स हैं, कितने प्लेटफार्म्स हैं जहां डॉक्टर साहब की वीडियोस चलती हैं, लाइव वीडियोस वगैरह वगैरह, तो आप मुझे ये साबित करके दें, मुझे ये एक वीडियो दिखा दें कि जिसमें मैंने दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया हो, दहशतगर्दी के फेवर में कोई मेरी बात की हो, या इंडियन पीएम के बारे में मैंने किसी किस्म की ऐसी बात की हो जिसमें दहशतगर्दी का वजूद नज़र आता हो, तो मैं उसके लिए, मुझे जब आप सबूत देंगे तो मैं हाज़िर हूँ अपने आप को पेश करने के लिए। तो नाज़रीन, ये एक पुरअमन आदमी हैं, हमेशा अमन की बात करते चले आए हैं, और इस्लाम सारा का सारा है ही अमन का गहवारा, और हमेशा इन्होंने अमन की बात की है, अब भी वो अमन की बात करते हैं, और अगर उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया और बाहर मुल्कों में चले गए तो भी अब अमन की बात करते हैं। अगर आप यूं कहें कि इन्होंने इंडिया में 20 से 22 या 25 साल के अरसे में दहशतगर्दी फैलाई है, दहशतगर्द पैदा किए हैं, तो ये जब बाहर चले गए थे इंडिया को छोड़कर, तो वहाँ बैठकर अपने दहशतगर्दों को सपोर्ट करते, इंडिया के माहौल को ख़राब करते, इंडिया की आवाम के अंदर इंतशार पैदा करते, तो वहाँ जाकर भी हज़रत ने किसी किस्म का कोई ऐसा इंटरव्यू भी नहीं दिया, और खुफिया किसी के तंजीम के साथ मिलकर भी कोई ऐसा काम आज तक कोई सबूत नहीं है। तो नाज़रीन, ये एक ठीक आदमी है, बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं, इंसान के अंदर खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, परफेक्ट तो सिर्फ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़ात है, तो बाकी हर एक इंसान से हो सकती है। और उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि आज की ये जो हमारी वीडियो थी ना, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों का जहन डॉक्टर नायक के बारे में बुरा है, उनके बारे में गलत तासुरात रखते हैं, तो उनको भी हकायक का पता चले। जब उनको हकायक का पता चलेगा तो अक्सर, यानी 50% से ज़्यादा आवाम, जैसे डॉक्टर साहब ने भी मिसाल दी है कि अक्सर कहते हैं 50% से ज़्यादा आवाम को, बहुत कहते हैं, बहुत में तो चंद लोग आ गए ना, तो एक से ज़्यादा चंद लोग हुए तो उसको बहुत कह दिया, तो 50% से ज़्यादा लोग, यानी सारे लोगों को जब ये पता चलेगी कि हकायक ये हैं, तो वो अच्छा रवैया ही रखेंगे। और उसके साथ साथ जो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वोटिंग करा ली जाए, और मेरी वीडियोस को एडिट करके उसमें गलत बयानात डाल के लोगों के सामने पेश किया जाए और वोट करा लिए जाएँ कि कितने लोग कहते हैं कि ये सच है, कितने कहते हैं झूठ है, उसमें भी आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, बड़ी बातें हैं, बड़ों की बड़ी ही बातें होती हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।